अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुलजार और हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर प्रीवियसली हमने इंपल्स पढ़ी, इंपल्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला ड्राइव आउट किया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले से नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है, जिसका नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सिंपलिसिटी के लिए वन डायमेंशनल मोशन, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन दी हुई है। टॉपिक की हेडिंग है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अच्छा, केस स्टडी लिखनी है, इसकी केस स्टडी बिल्कुल कल वाली है। बस अब इस टॉपिक के अंदर क्योंकि बुक ने वेक्टर साइंस नहीं लगाया, तो आपने भी वेक्टर साइंस नहीं लगानी। और वेक्टर साइंस ना लगाने की वजह यह है कि यहाँ पे हमने मैथमेटिक फॉर्मूला यूज करने हैं जो वेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि हमने इस जगह के ऊपर स्केलर फॉर्म में फॉर्मूला डिस्कस करना है। तो भाई केस स्टडी वही होगी जो हमने कल भी की थी, डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर देता उसको। हमने कहना है लेट अस कंसीडर दैट वी हैव टू इंटरैक्टिंग नॉन रोटेटिंग स्फीयर्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज v1 एंड v2। जैसे कि कल हमने लिखा था यहाँ पे उन मैसेज को बना देते हैं कि लेट्स से एक मैस m1 है और एक मैस m2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, और इस वक्त v1 v2 से ग्रेटर है। इसका नतीजा ये होगा कि वापस में कोलाइड करेंगे, उनके दरमियान में कोलिजन होगी। तो कोलिजन होगी तो यहाँ पे आपको पता है कि कोलिजन के दौरान क्या होता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी का मोमेंटम चेंज करती है उससे फोर्स लगा के। तो ये मैस m1 है, ये मैस m2 है। मैस m1 इस तरफ एक फोर्स लगाता है f1, और वो f1 फोर्स क्या करती है, वो f1 बॉडी नंबर टू का मोमेंटम चेंज करवा देती है, और बॉडी नंबर टू एक फोर्स लगाती है F2 जो कि बॉडी नंबर एक का मोमेंटम चेंज करवा देती है। तो ये फोर्स F1 और F2 होती हैं, इसकी वजह से कि बॉडीज की जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाती है, और अल्टीमेटली यहाँ पे ये होता है कि ये जो बॉडी है मैस M1 वाली, इसकी फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद V1 प्राइम, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद जो है वो V2 प्राइम हो जाती है। इस तरह से कि अब V1 प्राइम छोटी रह जाती है और V2 प्राइम की वैल्यू बड़ी हो जाती है। ठीक है, सो कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन की क्या दास्तान है? आफ्टर कोलिजन में हमने ये लिखना है कि जो वेलोसिटी v1 प्राइम है वो लेस देन v2 प्राइम होगी। दैट मींस पहले ये दो बॉडीज कोलाइड करने के लिए करीब आएंगी, कोलाइड करके फिर एक दूसरे से अगले चले जाएंगे। ठीक है, सो हमें यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करना है और स्केलर फॉर्म में डिस्कस करना है। इस डिस्कशन के अंदर, केस स्टडी के अंदर, ये दरमियान वाली बात जिसमें इंपल्स होती है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आ रहा होता है तो देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंपल्स को डिस्कस नहीं करना। तो ये बात अगर ना भी कहोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाली बात आपने लाजमी करनी है। तो अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। मैथमेटिकल डिस्कशन में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले कहना है अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर दीजिए, इससे क्या होगा, इससे होगा कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स बॉडी नंबर वन का इनिशियल मोमेंटम और बॉडी नंबर टू का इनिशियल मोमेंटम और बॉडी नंबर वन का फाइनल मोमेंटम और बॉडी नंबर टू का फाइनल मोमेंटम ये इक्वल रहेंगे। दैट मीन्स एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू will be equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime। ये क्वेश्चन नंबर वन है। इसमें से इस तरह से रीअरेंज कीजिए कि तमाम जो m1s हैं वो एक साइड पे और तमाम m2s दूसरी साइड पे आ जाएं, तमाम m1s एक साइड पे और तमाम m2s दूसरी साइड पे आ जाएं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इस जगह पे हम लिखते हैं m1 v1, ये टर्म इधर आ जाएगी, बन जाएगा m1 v1 prime। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ये टर्म रही होगी m2 v2 prime, और फिर ये टर्म उस तरफ आ जाएगी और बन जाएगी m2 v2। तो ये इक्वेशन बन जाएंगी। अब इस साइड से m1 कॉमन निकालें, यहाँ से m2 कॉमन निकालें, तो इक्वेशन का शेप क्या कर लेगी, ये बन जाएगी m1 v1 माइनस v2, सॉरी v1 माइनस v1 प्राइम, यहाँ से m1 कॉमन निकला, तो उसके बाद इधर बचेगा m2, और क्या लिखा जाएगा, v2 प्राइम माइनस v2। ये इक्वेशन नंबर टू है हमारी। ठीक है, यहाँ तक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया है। अब क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई कीजिए. अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए. तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सिस्टम. सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ बॉडी नंबर वन प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ बॉडी नंबर टू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ बॉडी नंबर वन प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ बॉडी नंबर टू. दैट मीन्स वन ओवर टू एम वन बी वन स्केयर प्लस वन ओवर टू एम टू बी टू स्केयर इज इक्वल टू वन ओवर टू एम वन बी वन प्राइम का स्केयर प्लस वन ओवर टू एम टू बी टू प्राइम का स्केयर. ये शेप होगी. पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दें तो वन ओवर टू खत्म हो जाएगा. पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दें तो टू खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन विद टू. ये क्या बन जाएगा, एम वन बी वन स्केयर प्लस एम टू बी टू स्केयर इज इक्वल टू एम वन बी वन प्राइम स्केयर प्लस एम टू बी टू प्राइम स्केयर. एम वन को एक साइड पे, एम टू को दूसरी साइड पे ले जाए. इक्वेशन बन जाएगी एम वन बी वन स्केयर माइनस एम वन बी वन प्राइम स्केयर इज इक्वल टू एम टू बी टू प्राइम स्केयर. और ये टर्म सिर्फ आ जाएगी माइनस एम टू बी टू स्केयर. एम वन कॉमन निकाल लें, एम वन बी वन स्केयर माइनस बी वन प्राइम स्केयर इज इक्वल टू एम टू और यहाँ पे क्या बनेगा बी टू प्राइम स्केयर माइनस बी टू स्केयर. तो ये क्वेश्चन बन जाएगी. ये क्वेश्चन कौन सी है, क्वेश्चन नंबर है थ्री. अब आप लिखिए सिंस ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो यहाँ पे ए की जगह पे बी वन है और बी की जगह पे बी वन प्राइम है, ए की जगह पे बी टू प्राइम है और बी की जगह पे बी टू है. तो इनके ऊपर भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो. इससे क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी एम वन बी वन माइनस बी वन प्राइम बी वन प्लस बी वन प्राइम इज इक्वल टू एम टू. साथ लिखा जाएगा बी टू प्राइम माइनस बी टू और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा बी टू प्राइम प्लस बी टू. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फोर का नाम दे दें. अब इक्वेशन फोर और टू को डिवाइड कर लें. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिवाइड इक्वेशन फोर बाय इक्वेशन थ्री. तो इक्वेशन फोर क्या है, इक्वेशन फोर है एम वन बी वन माइनस बी वन प्राइम बी वन प्लस बी वन प्राइम इज इक्वल टू एम टू बी टू प्राइम माइनस बी टू एंड बी टू प्राइम प्लस बी टू. तो ये क्वेश्चन बन जाएगी. और डिवाइड कैसे करना है, इक्वेशन नंबर टू से इक्वेशन नंबर टू लिख देते हैं. इक्वेशन नंबर टू क्या है, एम वन बी वन माइनस बी वन प्राइम और ये है एम टू बी टू प्राइम माइनस बी टू. तो एम वन एम वन से कट जाएगा, एम टू से कट जाएगा. ये टर्म इससे कट जाएगी, ये टर्म इससे कट जाएगी. बाकी बचेगा बी वन प्लस बी वन प्राइम इज इक्वल टू बी टू प्राइम प्लस बी टू. अब आप क्या कीजिए, इनिशियल वेलोसिटीज को एक साइड पे और फाइनल वेलोसिटीज को दूसरी साइड पे ले जाएं. इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5. वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू वी टू प्राइम माइनस वी वन या फिर वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू वी वन प्राइम प्लस वी टू प्राइम. दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ और फिर टर्म को बाद में लिख रहा हूँ. या लिख देता हूँ v1 minus v2 is equal to minus v1 prime minus v2 prime. तो ये equation number 6a है और ये equation number 6b है. यहाँ से हमने लिखना है conclusion, conclude करना है कि नतीजा क्या निकला है सारे के equation का. ठीक है, तो conclusion ये होगा, एक paragraph लिखेंगे कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे बात की कि for example एक body है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और ये 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है. तो ये टकराएंगे, टकराने के बाद इस वाले की वेलोसिटी 80 हो जाएगी और इस वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 100 हो जाएगी. ठीक है, तो भाई इस केस के लिए v1 माइनस v2 का आंसर क्या था, वो 20 आ रहा था. और इसके लिए जो ये वाली क्वेश्चन है इसमें चूंकि ये v1 प्राइम है और ये v2 प्राइम है तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो आंसर माइनस 20 आएगा. और जब मैं इस इक्वेशन का भी माइनस लूंगा
आंसर क्या होगा, आंसर होगा 20, जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन के बाहर माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब है पहले जिस रिलेटिव स्पीड से ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहे थे, अब उसी रिलेटिव स्पीड के साथ ये दोनों रिसीड भी कर रहे हैं, ये दोनों दूसरे से अवे जा रहे हैं। तो भाई अगर यहाँ पे कोलिजन में टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी 100 और इसकी वेलोसिटी 80 थी, तो टकराने के बाद क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 100 हो जाएगी, इसकी 80 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इस तरह चलते हुए आएंगे 100 और 80 से, टकराने के बाद ये 80 और 100 से चलना शुरू हो जाएंगे। तो जिस रिलेटिव स्पीड से पहले ये करीब आ रहे थे, टकराने के बाद उसी रिलेटिव स्पीड से ये दूर जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये बात प्रूव कर देते हैं इस सारी डिस्क्रिप्शन के बाद। फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिसेप्शन, या कोई भी और वर्ड यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो ये बात हमने प्रूव कर दी। तो अगर आपका क्वेश्चन ही आता है कि शो दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो यहाँ पे इस पॉइंट तक आके आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बुक ने जहाँ पे ये क्वेश्चन लिखी है उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ जो है हमारी कंक्लूजन है। उसके बाद जो V1 प्राइम और V2 प्राइम है, अगर वो पूछे हो तो आपने लिखने हैं, वरना नहीं लिखने हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। क्लियर है? ओके जी, अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि आल्सो डिराइव द फाइनल द इक्वेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स, दैट मींस V1 प्राइम और V2 प्राइम भी ड्राइव आउट करने का कहा गया है। भाई एक तो आपको पता है कि लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन थी, यहाँ पर मैंने बता दी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो फॉर फाइनल वेलोसिटीज हमने इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, हमने यूज करनी इक्वेशन नंबर 1 m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime, ये क्वेश्चन नंबर 1 की एक ये यूज करनी है। और दूसरी क्वेश्चन नंबर 5 6a या 6b को यूज कर लें। दूसरी क्वेश्चन जो है v1 plus v1 prime is equal to v2 prime minus plus v2, ये क्वेश्चन है इक्वेशन नंबर 5। ये दो इक्वेशन यूज करनी है और इससे मैं v1 prime और v2 prime की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है, हम V1 प्राइम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और V2 प्राइम भी यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन तब V1 प्राइम तब निकलेगा जब हमें बाकी तमाम टर्म इंक्लूडिंग V2 प्राइम पता हो, और V2 प्राइम तब निकाल सकते हैं जब हमें बाकी तमाम टर्म इंक्लूडिंग V1 प्राइम ये पता हो। लेकिन अगर कहा जाए ना आपको V1 प्राइम पता है ना आपको V2 प्राइम पता है, आपको बस ये दे दिया गया कि यहाँ पे 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और ये टकराता है 50 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट से जो कि इनिशियली किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू V2 है। तो अब आपको ना V1 प्राइम गिवन होगा ना V2 प्राइम होगा, क्यों? क्योंकि आपको सारी सिचुएशन जो गिवन है वो सारी क्या सारी सिचुएशन कोलिजन से पहले की गिवन है। आपको तमाम सिचुएशन कोलिजन से पहले की गिवन है, इसलिए ना आपको V1 प्राइम पता है ना ही आपको V2 प्राइम पता है। तो फिर क्या करना है? फिर आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 5 को यूज करते हुए V1 प्राइम और V2 प्राइम की इक्वेशन डिराइव कर लेनी है। जरा देखो, अगर मैं इस इक्वेशन से V1 प्राइम की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दूं तो इक्वेशन से V1 प्राइम खत्म हो जाएगा और V2 प्राइम निकल आएगा, या मैं अगर यहाँ पे V2 प्राइम की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दूं तो इक्वेशन से V2 प्राइम खत्म हो जाएगा और V1 प्राइम का आंसर आ जाएगा। तो ये काम करते हैं पहले, ठीक है? ये बन जाएगा V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2 इज इक्वल टू V2 प्राइम। This is equation number 7. Equation कौन सी है? Equation number 7 है। तो आप लिखिए put equation 7 in equation 1। ये भी हो सकता है कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने फिर यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन की इक्वेशन यूज करते हुए V1 प्राइम V2 प्राइम या उनमें से कोई एक ड्राइव आउट करना होगा, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूँ। ये बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2, और v2 प्राइम की जगह पे क्या पुट करना है? ये पूरी टर्म, ये क्या है? दिस इज v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2।
ठीक है, ये इक्वेशन में मैंने v2 प्राइम की जगह पे ये वैल्यूज पुट की है, इधर ब्रैकेट खोल लीजिए, ये बनेगा m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v1 plus m2 v1 prime minus m2 v2। तो ये ब्रैकेट्स ओपन कर दी। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को यहीं छोड़िए, बाकी दोनों को इस तरफ ले जाइए, m1 v1 plus m2 v2 minus m2 v1 और प्लस m2 v2, ये दोनों टर्म्स उस तरफ जा गई, चली गई, ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, और यहाँ बचने वाले टर्म्स क्या हैं, वो हैं m1 v1 prime plus m2 v1 prime। तो अब आप ऐसा कीजिए कि v1 को पहले लिखिए और यहाँ पे v2 को बाद में लिख दीजिए, ये बन जाएगा m1 v1 minus m2 v1 plus m2 v2 plus m2 v2 m1 v1 prime plus m2 v1 prime, ठीक है, इन दोनों में से v1 कॉमन निकलेगा, बन जाएगा m1 minus m2 और साथ लिखा जाएगा v1, और ये क्योंकि सेम है ये बन जाएंगे 2m2 v2, और इधर भी v1 prime कॉमन निकलेगा, बन जाएगा m1 plus m2 और ये बन जाएगा v1 prime। अब इस टर्म को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा m1 minus m2 into v1 plus 2m2 v2 over m1 plus m2 is equal to v1 prime, v1 prime यहां लिखने। अब इस जगह से यहां से एलसीएम ब्रेक कर दें, यहां से एलसीएम ब्रेक करें, ये बन जाएगा v1 prime is equal to m1 minus m2 v1 over m1 plus m2 plus 2m2 v2 over m1 plus m2, या फिर v1 prime is equal to m1 minus m2 over m1 plus m2 v1 plus 2m2 over m1 plus m2 v2। तो v2 को साइड में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारी है 8, ठीक है। तो ये v1 prime की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, जिसके अंदर कहीं पे भी इक्वेशन के अंदर v2 prime नहीं आता, तो यही काम आपने खुद करना है, अब अगला काम मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। आपने यहाँ से v1 prime की वैल्यू निकालनी है, इस v1 को उधर ले जाना है और इसको उठा के इधर पुट करना है, सेम इसी मेथड के ऊपर चलते हुए आपके पास v2 prime का आंसर भी आ जाएगा। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख सकते आप, टेक्निक ये हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जाए शो दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हेंस राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर v1 prime एंड v2 prime। तो अगर सिर्फ राइट डाउन करने की बात पूछी हो तो आप सिर्फ राइट डाउन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपने राइट डाउन नहीं करने बल्कि डिराइव करने हैं, तो फिर ये डिराइव भी करने पड़ेंगे आपको। तो इस तरीके से मैंने एक डेरिवेशन कर दी है, दूसरी करनी है आपने खुद से, सर वो भी आप करा दें सर, ये खुद करना है आपको। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन के हद तक एक अल्टरनेटिव शॉर्टकट मेथड भी यूज किया जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिप्लेस ईच वन विद टू एंड ईच टू विद वन इन सबस्क्रिप्ट इन इक्वेशन 8। मतलब क्या, यहाँ पे जितने ये नीचे वन टू लिखे हैं इनको रिप्लेस कर दो, इस टू को नहीं करना, ये सबस्क्रिप्ट में नहीं है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है, इक्वेशन 8 बिकम्स v1 प्राइम की जगह पे क्या हो जाएगा, v2 प्राइम, m1 माइनस m2 की जगह पे m2 माइनस m1 आएगा, नीचे m1 प्लस m2 की जगह पे m2 प्लस m1 हो जाएगा, v1 की जगह पे v2 बन जाएगा, फिर यहाँ पे 2
एम टू की जगह पे एम वन और एम वन प्लस एम टू की जगह पे एम टू प्लस एम वन आएगा और साथ लिखा जाएगा वी वन। अब इस टर्म को पहले लिख दें और आपको पता है एडिशन में किसको पहले लिखते हैं किसको बाद में लिखते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एडिशन में किस चीज को पहले लिखते हैं किसको बाद में लिखते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सो बी टू प्राइम इज टू एम वन ओवर एम टू प्लस एम वन की जगह पे लिखने एम वन प्लस एम टू, थ्री प्लस फोर करेंगे फोर प्लस थ्री करेंगे बात एक ही होती है, और साथ लिखा जाएगा यहाँ पे एम टू माइनस एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू बी टू, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर नाइन। और यहाँ सेकेंड इक्वेशन फाइंड कर ली है बी टू प्राइम जो कि वी वन प्राइम से इंडिपेंडेंट है, जो कि वी वन प्राइम से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्लियर है? ये मेथड भी आप कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इससे भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोई एक डेरिवेशन की जरूरत है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन दे दें कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड फ्रॉम द फैक्ट दैट वेलोसिटी ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिराइव वी टू प्राइम, तो फिर आपने वी टू प्राइम खुद से ड्राइव करना है। मेथड यही है, बस आपने इक्वेशन में जो अभी हमने वी टू प्राइम की जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया है फिर आपने वी वन प्राइम की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करना है। अच्छा जी, ये वी वन प्राइम और वी टू प्राइम के फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब मैं कुछ स्पेशल केसेस करवा रहा हूँ जो इस लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, अलग से। स्पेशल केसेस एम वन इज इक्वल टू एम टू, जो दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं उन दोनों के मैसेज सेम है, एम वन और एम टू आपस में इक्वल हैं, तो आप सिंपली एम लिख लो। इससे क्या होगा, इससे हम देखने का इक्वेशन क्या बनती है। भाई जो v1 प्राइम की इक्वेशन है उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा m माइनस एम ओवर m प्लस एम v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m v2। तो ये टर्म तो वैसे जीरो हो गई, इसमें 2m 2m से कट गया, क्या बना v1 प्राइम इज इक्वल टू v2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि v2 प्राइम इक्वेशन लिखी जाए तो क्या लिखी जाएगी, तो लिखी जाएगी 2m ओवर m प्लस m v1 और यहाँ पे m माइनस m ओवर m प्लस m v2। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, 2m 2m से कट जाएगा और v2 प्राइम क्या होगा, v2 प्राइम v1 के इक्वल होगा। तो भाई टकराने से पहले जो वेलोसिटी इसकी थी टकराने के बाद वो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी, टकराने से पहले जो वेलोसिटी इसकी थी वो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये टकराने से पहले 100 से ट्रेवल कर रहा था, ये 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा था, तो टकराने के बाद ये 80 से और ये 100 से ट्रेवल करना शुरू हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी बनेगा, यहाँ पे केस क्या बनेगा, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इफ बॉडीज ऑफ इक्वल मैसेज कोलाइड विद ईच अदर दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। अब जो केस नंबर टू है, ये केस ए था, जो केस नंबर बी है वो भी सेम ऐसा ही है कि हमारे पास एम वन और एम टू इक्वल है, दैट मीन्स उसकी जगह पे m लिखोगे लेकिन जो बॉडी नंबर टू है वो रुकी हुई है, बॉडी नंबर टू रेस्ट पे है, ठीक है। तो भाई बात तो वही है कि यहाँ पे ये बॉडी m1 है और जो ये बॉडी है m2 की, मैसेज इक्वल है लेकिन इसकी वेलोसिटी 100 है इसकी 0 है, तो टकराने के बाद इसकी 0 हो जानी है इसकी 100 हो जानी है। इस स्नूकर बॉल में अक्सर होता है कि जिस वाइट बॉल से आप हिट करते हो वो रुक जाती है, अगली चलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसके लिए नॉन रोटेटिंग होना लाजमी है। अगर वो रोटेटिंग होगी तो बॉल नंबर वन भी या तो साथ आगे चल पड़ेगी या पीछे की तरफ आ जाएगी या साइडवेज रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर बिल्कुल हेड टू हेड कोलिजन नहीं है, थोड़ी साइड पे हिट कर रही है तो फिर वो जो बॉडी नंबर वन है वो टू डी रिफ्लेक्शन होगी। हम यहाँ पे वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, वन डी मोशन की बात है, तो अगर साइड में हिट होगी हेड टू हेड कोलिजन नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन टू डी हो जाएगी। तो बहरहाल इसी बात को हमने इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। देखो इक्वेशन यही वाली है, v1 प्राइम m माइनस m ओवर m प्लस m v1 और दूसरी बॉडी में 2m ओवर m प्लस m, और चूंकि बॉडी नंबर 2 रेस्ट पे है तो v2 जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गई। तो भाई टोटल आंसर क्या है, टोटल आंसर जीरो है। इसका मतलब है टकराने के बाद जो पहली बॉडी है वो रुक जाएगी और जो v2 प्राइम है उसका आंसर क्या होगा,
v2 prime की equation ये बन जाएगी 2m over m plus m into v1 plus m minus m over m plus m v2. तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि ये टर्म फिर से जीरो हो रही है, ये वाली m minus m, और यहाँ पे 2m over 2m कट रहा है, तो v2 prime जो है वो v1 के इक्वल है. तो अगेन बात वही है कि v1 prime v2 के इक्वल है और v2 इनिशियली जीरो है, ठीक है, और जो v2 prime है वो v1 के इक्वल है, दैट मींस यहाँ पे भी इंटरचेंज इन वेलोसिटी ही हो रही है, पर स्पेशल ये है कि यहाँ पे एक बॉडी को रेस्ट पे शो किया गया है, ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद केस नंबर सी है. केस नंबर सी ये है कि अगर एक बॉडी जिसका मास m1 है जो m2 बहुत ही बड़ा है वो कोलाइड करती है ऐसी बॉडी से कि जिसमें छोटी बॉडी जिसे टकराना है वो रेस्ट पे है, दैट मींस एक मास m1 जिसकी वेलोसिटी v1 है वो एक छोटे मास m2 से टकराता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फिर क्या होगा. एग्जांपल आपके सामने है, डेली लाइफ में अगर कोई ट्रेन किसी बाइक को हिट करे तो क्या होता है, बाइक ट्रेन की वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से उड़कर दूर जाके गिरती है, ठीक है. या आप किसी बैट से किसी बॉल को हिट करो तो जो बॉल आगे जाती है वो बैट की वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से आगे जाती है. इसका मतलब होता है जब एक हैवी बॉडी किसी लाइटर बॉडी से टकराती है तो लाइटर बॉडी हैवी बॉडी की वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से बाउंस बैक करती है. तो ये बात का इक्वेशन भी बताती है, देख लेते हैं. वी वन प्राइम की इक्वेशन है m2, तो हम इतना छोटा कंसिडर कर लेते हैं कि m2 nearly equal to zero है, m2 nearly equal to zero है. अब जारी बात है ट्रेन के मास के मुकाबले में बाइक का मास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने m2 को जीरो कंसिडर किया हुआ है. तो v1 प्राइम क्या बनेगा, m1 minus zero over m2 plus zero, ये बनेगा m1 minus zero over m1 plus zero, और v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 m2 zero है वैसे ही, तो यहाँ पे m1 plus 0 आएगा और v2 भी 0 है, तो ये फैक्टर वैसे भी हो जाएगा, m1 m1 से कट जाएगा, v1 prime is equal to v1. तो भाई ट्रेन ने अगर बाइक को हिट किया तो ट्रेन अपनी वेलोसिटी से चलती रहेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई खास चेंज नहीं आएगा. अच्छा, फिर v2 prime फाइंड करते हैं. v2 prime क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगी 2m1 over m1 plus 0 v1, और यहाँ पे 0 minus m1 over m1 plus 0 into 0, v2 0 है, तो ये टर्म फिर 0 बन गई, और यहाँ पे m1 m1 से कट गया, क्या बना, v2 prime is 2v1. तो भाई इसमें होता ही है कि जो लाइटर बॉडी है वो हैवियर बॉडी की वेलोसिटी से भी डबल वेलोसिटी से उठ के आगे जाती है. अगर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आके किसी बाइक को हिट करती है तो अगर बाइक कंप्रेसिबल नहीं है, बाइक टूट फूट का शिकार नहीं होती, दैट मीन्स जो एनर्जी है वो दूसरी फॉर्म्स में चेंज नहीं होती, कंप्रेशन वगैरह में, साउंड में, हीट में, तो अगर ट्रेन ने 100 की स्पीड से आके बाइक को हिट किया है तो बाइक 200 की स्पीड से ट्रेन की डायरेक्शन में ही उड़ के आगे जाके गिरेगी, ठीक है. तो ये हमारे पास कोलिजन ऑफ अ हैवी ऑब्जेक्ट विद अ लाइट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की बात है. अब डी ऑप्शन ये है कि जिसमें m1 m2 से इतना छोटा होगा कि हम उसे जीरो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, और जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगा. एग्जाम्पल ये है कि एक बाइक फुल स्पीड में आके किसी खड़ी ट्रेन को टकरा जाए, ठीक है. तो अगर एक बाइक फुल स्पीड में आके एक खड़ी ट्रेन के साथ आकर टकरा जाए तो क्या होगा, ट्रेन बाउंस करेगी आगे, बिल्कुल भी नहीं, ट्रेन अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं. और बाइक का क्या होगा, अगर बाइक टूट फूट का शिकार ना हो, कंप्रेस ना हो, तो वो बाउंस बैक करेगी, सेम वैसे जैसे किसी दीवार को, दीवार से हम किसी बॉल को टकराते हैं तो वो बाउंस बैक करती है, वैसे ही वो बाइक भी बाउंस बैक करेगी, लेकिन कब, अगर यहाँ पे एनर्जीज वेस्ट ना हो, तो अगर इसे हमारे पास जो एनर्जीज हैं वो वेस्ट ना हो तो ये बाउंसिंग बैक होगी. लेकिन होता है कि जब बाइक टकराती है तो बाइक टूट जाती है, उसके पार्ट टूट जाती है, बाइक कंप्रेस हो जाती है, तो वो सारी एनर्जी उस डीफॉर्मेशन में इस्तेमाल हो जाती है, तो बाइक समटाइम बाउंस बैक नहीं भी करती. लेकिन अगर एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं होती, इलास्टिक कोलिजन है, बाइक ना कंप्रेस होती है ना टूटती है, तो फिर वो गेंद की तरह पे बाउंस बैक करेगी. यही बात इक्वेशन को भी बतानी चाहिए. तो भाई वी वन प्राइम की इक्वेशन में एम वन जीरो है, तो वहां पे एम वन में यहाँ पे जीरो लिख दें, यहाँ भी जीरो लिख दें, क्या बनेगा, जीरो माइनस एम टू ओवर जीरो प्लस एम टू वी वन और प्लस टू इंटू एम टू ओवर 0 प्लस m2 into v2. तो v2 तो चूंकि 0 है तो इसलिए यहाँ पे दूसरी टर्म 0 हो जाएगी, ये माइनस m2 प्लस m2 से कट के माइनस 1 आकर जाएगा
और जो वी वन प्राइम है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो माइनस वी वन के इक्वल आ जाएगी। तो दैट मीन्स अगर बाइक 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से टकराई है तो 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ही बाउंस बैक कर जाएगी अगर वो कंप्रेस नहीं होती और एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं होती। इसी तरीके से अगर मैं वी टू प्राइम फाइंड करूँ तो भाई वी टू प्राइम में क्या लिखा जाएगा, एम वन जीरो है, टू इंटू जीरो ओवर जीरो प्लस एम टू इंटू वी वन प्लस एम टू माइनस जीरो ओवर जीरो प्लस एम टू इंटू वी टू। तो ये टर्म तो जीरो हो गई और वी टू प्राइम में चूंकि वी टू भी जीरो थी तो इसलिए ये टर्म भी जीरो हो गई, ये टर्म भी जीरो हो गई और आंसर क्या है, जीरो। अगर ट्रेन रुकी रही तो रुकी रहेगी, अगर मैं यहाँ पे ये जीरो ना करता इधर वी टू ही लिखा रहने देता तो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही होती उसी स्पीड से चलती रहती, उसको कुछ फर्क ना पड़ता, ठीक है। लेकिन उस केस में फिर मुझे मेरी जो ये इक्वेशन है ये चेंज हो जाती क्योंकि यहाँ पे जो टर्म मैंने जीरो किया आगे उस टर्म में भी ट्रेन की वेलोसिटी पुट करनी पड़ती, ट्रेन के मैसेज पुट करने पड़ते, ठीक है। तो बहरहाल हमने यहाँ पे इसके चारों केसेस डिस्कस कर ली हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज यहाँ पे लेक्चर को माइंड अप करेंगे। सर ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो चारों केस लिखने आएंगे? नहीं नहीं, ये चार केस अलग है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन तो वहीं पे खत्म हो जाएगा अगर कहा जाए कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, शो करें तो इक्वेशन 6a और 6b के बाद कंक्लूजन लेके खत्म कर देंगे। अगर कहा जाए कि राइट डाउन इक्वेशंस फॉर फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो सिर्फ v1 प्राइम और v2 प्राइम जो आपने याद की होगी वो लिखोगे, और अगर कहा जाए कि डिराइव देम तो फिर आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी क्योंकि एक को डिराइव करके दूसरे में इंटरचेंज कर देना ये इक्वेशन बन जाएगी। सर ऐसे हो सकता है कि आधी आधी एनर्जी से वो रिपेल और आधी एनर्जी से वो कंप्रेस हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, डेली लाइफ में होता ही इस तरह से है कि ये आम डेली लाइफ में जो एक्सीडेंट्स होते हैं इनमें कोई भी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन नहीं होती, एनर्जी चीज़ों को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है, तोड़ने कंप्रेस करने में इस्तेमाल हो जाती है, हम तो एक आइडियल केस पर है, ठीक है जी। यस सर, क्लियर है, फिर माइंड करें। ओके सर, ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही था, खुदा हाफिज़।